हाय गाइस, माय नेम इज लखन और आज हम बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप में एक ऐसा फीचर है जिसका आज के स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखना है, नई जनरेशन को बहुत ध्यान रखना है। इज्जत आपके भी है और आपके परिवार वालों के भी है और बड़े बुजुर्गों के भी इज्जत है। और व्हाट्सएप का वो फीचर आपके लिए बहुत जरूरी है और आज के परिवेश में जरूरी है, कारण कि हर स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और टीचर के नंबर बच्चे के पास सेव हैं और बच्चे के नंबर टीचर के पास सेव हैं। तो खासकर इसलिए वो सेटिंग करना जरूरी है कि स्टूडेंट और टीचर या नई जनरेशन के बच्चे आजकल स्टेटस लगाते हैं। अब स्टेटस वो अपनी सोच के अनुसार लगाते हैं, यानी किसी अपने यार दोस्त को दिखाने के लिए लगाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो स्टेटस जितने भी उनके पास सेव है नंबर वो सारे लोग देख रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इस समय जो संबंध बनाया गया है। तो स्टेटस लगाते समय स्टूडेंट्स को ये ध्यान नहीं रहता व्हाट्सएप के स्टेटस की जो प्राइवेसी सेटिंग है उसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि वो अपने सर को या अपने कोई बड़े बुजुर्ग जिनको वो स्टेटस दिखाना नहीं चाहता हो उसे बंद करना चाहे तो उसको कर सकता है। और ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने स्टेटस में कुछ ऐसे वीडियो या ऐसे शब्द यूज करता हो जो हर एक बंदे को दिखाना नहीं चाहता। तो व्हाट्सएप के स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग में चलते हैं हम और आपको बताते हैं कि वो छोटी सी सेटिंग आपको कैसे करनी है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्राइवेसी सेटिंग को एक्टिव कर लें, ताकि उनके स्टेटस अपने सरजी ना देख पाए। सरजी को हम लॉक करना है यार, क्यों पता है तुम लोगों को तुम कैसे कैसे स्टेटस लगाते हो। तो सर जी का नंबर को सिर्फ स्टेटस के लिए ब्लॉक करना है, ना कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज आते जाते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टेटस आपके सर जी या आपके मम्मी या पापा या बड़ा भाई जिसको आप दिखाना नहीं चाहते हो उनको ब्लॉक कर दें। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप खोल लेते हैं हम। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में हम स्टेटस, जो बीच का ऑप्शन है स्टेटस, इस पर चले जाते हैं और ऊपर जो राइट साइड में आपको सर्च के साइड में जो तीन बिंदु दिखती हैं यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आ जाते हैं, स्टेटस प्राइवेसी और सेटिंग। तो स्टेटस प्राइवेसी में जाते हैं हम और इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद तीन ऑप्शन खुल जाते हैं, माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, ओनली शेयर विद। अगर हम फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पूरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबको हमारा स्टेटस दिखेगा। बीच वाले को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम जिन जिन लोगों को ब्लॉक करना चाहते हैं उनके नाम यहाँ सामने आ जाएंगे पूरी लिस्ट के। तो उनके सामने जो सर्किल बना हुआ है उसको हम टिक कर देंगे, यानी क्लिक कर देंगे जो सर्किल है उसको, और ओके करने के बाद में उन बंदों को हमारा स्टेटस कभी भी नहीं दिखेगा जब तक हम उनको वापस अनब्लॉक नहीं कर देते। अब जो हमारा तीसरा ऑप्शन है नीचे का जो ओनली शेयर विद, अब उसमें जाके हम क्लिक करते हैं, फिर हमारे सामने जो नाम की लिस्ट खुल जाती है। तो मैं जैसे दो बंदों को, पहले वाले दो बंदों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब मेरा जो स्टेटस है मात्र ये दो ही बंदे देख सकते हैं और मेरा जो लिस्ट में नाम है वो कोई नहीं देख सकता। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग है। अब हमको जो मुख्य बात सीखनी थी ये माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, यानी हमें कौन कौन बंदे ब्लॉक करने हैं। वो बीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी नाम सेव हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपका स्टेटस वही आदमी देख सकता है जिसका नंबर आपके पास से हो और आपका नंबर उस व्यक्ति के पास से हो, यानी दोनों जगह जो नाम सेव होते हैं वही देख सकते हैं। तो ये लिस्ट खुल जाएगी, मान लीजिए
पहले वाले दोनों बंदों को ब्लॉक करता हूँ, तो अब मेरा स्टेटस ये दो बंदे कभी भी नहीं देख पाएंगे जब तक मैं इनको अनब्लॉक नहीं कर देता। ये मज़ेदार जो सेटिंग थी मैं आपके लिए लाया हूँ। अब हम इस सेटिंग से एक बार बाहर जाते हैं और हम क्या करते हैं, कई बार स्टेटस पे कुछ लिख देते हैं डिजाइनिंग, या फिर हम स्टेटस पे कुछ जिप लगा देते हैं, यानी छोटे छोटे वीडियो जो व्हाट्सएप ने हमें उपलब्ध करा रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ व्हाट्सएप पे। तो हम जो हमारी अभी कलम थी वहाँ लिखने के लिए गए थे, तो ये जो लिख रहे होते हैं, तो इनके सारे के सारे जो फॉन्ट की स्टाइल है वो यहाँ से चेंज होती है। देखो इस जगह से आप इसको क्लिक करोगे और जो बैकग्राउंड का कलर है वो इसको जितनी बार आप दबाओगे आपके सामने जो बैकग्राउंड का फॉन्ट के जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज होता चला जाएगा। जो आपको अच्छा है लगे उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम जाते हैं ये इमोजीज जो हैं, इनको अगर हमको ये इमोजी लगानी है ये इस तरीके की, तो देखो ऊपर इमोजी है या स्पोर्ट्स से संबंधित है या कार है या बल्ब बना हुआ है यानी इलेक्ट्रिक से संबंधित है, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। आप इनको सेलेक्ट कर करके देख सकते हो, एक एक सेलेक्ट कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो साइड में, सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब हम बात आती है जिप कैसे लगाते हैं, तो हमने जो ये जो सेलेक्ट किया है ये जो जिप वाली बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, तो नीचे दो ऑप्शन है, वो दोनों ऑप्शनों में से सर्च वाले में जाओगे आप और लिख इसमें सर्च वाले में लिख के बोलोगे कि या लिख दोगे, उसमें बोल नहीं सकते, बोल भी सकते हो लिख भी सकते हो। हैप्पी बर्थडे मैंने लिखा, तो हैप्पी बर्थडे से संबंधित जितने भी आपके जिप हैं सारी की सारी खुल के आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगी। अब आपको जैसा भी जो भी पसंद है उसको आप, जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया, यानी मेरे स्टेटस पे ये लग गया। अब मैं इसको जाके स्टेटस पे, माई स्टेटस पे जाके क्लिक करता हूँ और देख सकता हूँ कि मैंने स्टेटस क्या लगा रखा है। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इस व्यूज़ पे, जीरो व्यूज़ पे जाके क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। कुछ दोस्त देख के हो सकता है हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू कर दे। तो ये वाली सेटिंग जो मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी, मैं बहुत अच्छी अच्छी सेटिंग आपके लिए और नए नए जितने भी ऐप हैं उनकी रिव्यू करूँगा, एंड्रॉयड ऐप जितने भी हैं मोबाइल से संबंधित, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है और ऐप का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।